हाँ देखो केवट ने भगवान राम को ही पार करवा दिया था, तो कहते हैं यहाँ पे लड़ाई भी हो गई है किसी की। देखो बनाए उन्होंने, तो ये इनकी बस्ती है देखिए आप, पूरे तू संभाल के रखा है क्या, बैंक में देना है क्या, बैंक में जमा करना है, पैसे होगा नहीं इससे, अगर कोई फिसला तो सीधा सड़क पे ही पहुंचेगा। और ऐसे कोई केवट जो है खुद मजदार में, उनको कोई पार कराने वाला नहीं है। स्मेल इतनी भयंकर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक लड़का है बोले गुंगा है कि जब ऐसी स्थिति कोई देखता है ना तो शब्द नहीं निकलते हैं। मैंने रेशमी नाम है आपका, मतलब आप सिंदूर लगा रखा हुआ है, आप मुसलमान। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग, आई होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आऊँ, एक दूसरी ट्राइब कह सकते हैं या फिर आप बस्ती कह सकते हैं, जैसे भी आप सोचें वो कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही ऐसी कंडीशन में लोग रह रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। आप देखिए कि पीछे ये इस तरह से एक पहाड़ी चट्टान से उस पर उन्होंने अपने झोपड़े बनाए, मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। लोग यहाँ पर रह रहे हैं झोपड़े पर और बोल ये रहे हैं कि ये बिहार के रहने वाले हैं। ये देखिए किस तरह से लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ लेडीज़ भी हैं जो यहाँ पे अपने टाइम पास कर रही हैं। आंटी राम राम, आंटी कैसी हैं आप, क्या नाम आंटी आपका? सुजान देवी। हैं? सुजान देवी। सुजान देवी, तो आंटी ये कौन है आपकी? नतनी है। नतनी है, आप तो खुद जवान है, हैं? मुझे आपकी बेटी होगी मुझे आपकी बेटी होगी नहीं, नतनी है, बेटे की है, बेटे की है, बेटी की, बेटी के सब नाती है, नतनी है। अच्छा, नाती नतनी है। आंटी आप भी बिहार से ही है? दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से हैं आप? अच्छा, तो कब से रह रहे हैं आंटी यहाँ पे आप? जितना साल से सब रह रहा है उतने साल से। कितना? 20 साल। चिता की नोनी 20 साल हो गया। इधर देखो आंटी 20 साल हो गया। अच्छा, क्या नाम इसका बेटी नतिनी का? रितिका। रितिका नाम है इसका। रितिका के मुँह पे क्या रखा है दाने दाने से? घाव हो गया। इसका नाम क्या है? देव कुमार। देव कुमार, देव कुमार जो है नमकीन खा रहा है। तो ये ऐसे झोपड़े बना के रह रहे हो आप इन पे 20 सालों से? लाइट पानी कुछ नहीं है? नहीं, ना लाइट है ना पानी है। लाइट पानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो जहाँ पे रह रहे हो आप जमीन में, जमीन किसकी है? ये तो नगम निगम बोल रहा है, कोई बोला जंगलात वाले है। अच्छा, कोई बोल रहा है सरकारी है। अच्छा, तोरे तोरे बोल रहा है, तोड़ देगा, आज तोड़ेगा कल तोड़ेगा, कोई ठीक नहीं इसको, कोई ठिकाना नहीं है, कब तोड़ देगा कोई ठीक नहीं। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एक और फैमिली भी है, ये देखिए कुछ छोटे बच्चे भी हैं, कुछ ये देखो छोटा बच्चे, क्या नाम आपका है? छतलम। क्या? छतलम। छतलम नाम है, सत्यम। अच्छा, छत्यम बोल रहा है। और एक प्यारी सी बच्ची यहाँ पे, क्या नाम आपका है बेबी? आपका नाम क्या है? रेशमी। रेशमी नाम है आपका। इधर देखो, इधर देखो, कहाँ पढ़ते हो? सरकारी। सरकारी स्कूल कहाँ पे? सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चार। चार में पढ़ते हो, तो आज स्कूल नहीं गए? क्यों, क्या हो गया, स्कूल क्यों नहीं गए आज? स्कूल क्यों नहीं गए? ऐसे ही। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी जिला, बिहार। अच्छा, तो आंटी कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? बहुत दिन से। बहुत दिन? 20 साल। 20 साल से ऐसे रह रहे हो यहाँ पे? हाँ, ऐसे। अच्छा, ये कौन है आपकी? लड़की है। लड़की है, इन्होंने मुंह के छुपा रखा इसको हंसी आ रहा है। हंसी आ रही। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और देखो इस तरह से सड़क पे बिल्कुल रहने को मजबूर है ये लोग। ये देखो ये आंटी यहाँ पे, और दूसरी शांति नाम आपका। हाँ। तो शांति जी आप बिहार से ही हैं? हाँ। और कब से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत दिन से रह रहे हैं। बहुत दिन से रह रहे हैं। तो जैसे बारिश होती है पानी अंदर आता होगा इसमें? तो नहीं, नहीं आता है। तो आप जैसे कहीं कमरा वमरा लेते किराए पे कहीं, जैसे मेहनत मजदूर तो करते होंगे ना आप लोग? नहीं। हाँ, मजदूर नहीं कर दिया, बैठ रहे। नहीं नहीं, आपके पति करते होंगे मजदूरी? हाँ, मजदूरी करता है। कोई किराए पे कमरा मरा नहीं लिया कहीं? नहीं। क्यों? कमरा अपन नहीं है, अपन है। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। अच्छा अच्छा, ये आपका लड़का है? हाँ, लड़का है। क्या नाम इसका? शिवम। शिवम नाम है इसका। हाँ। अच्छा, और भी यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेम्बर है, पूरा कुनबा है यहाँ पे इनका। और दोस्ती कह रहे हैं बिहार से हैं, और ये देखें इनका घर, आप ये देखें इनके घर की स्थिति, आप ये देखें बारिश का मौसम, क्या बताएं। ये देखिए पानी आ रहा है,
किचन भी है भाई, इतनी ऐसी स्मेल यहाँ पे आ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे ये लोग रहते हैं समझ नहीं आता भाई। ये कीवट जनजाति से आती हैं, और कीवट वही जनजाति है जिसने भगवान राम को गंगा पार कराई थी। आपने यह प्रसंग बहुत अच्छे से सुना होगा कि केवट था वो नदी में जो है नाव पार कराने काम कर रहा था, और जब राम जी को वनवास हुआ था तो उसी टाइम केवट ने भगवान राम को, जो कि इसने केवट ने भगवान राम को ही पार करवा दिया था। तो कहते हैं जिसने भगवान राम को पार कराया, आज वही केवट जो है खुद मझधार में है, उनको कोई पार कराने वाला नहीं है, चाहे बिहार से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे कहीं भी हो। तो यार केवट जनजाति इतनी महान, इसने भगवान को भी तार दिया, आज वो स्थिति में है। तो यही कलयुग है, तो कोई इनको तारने वाला कोई है ही नहीं है ना दादी। कोई उतारने वाला नहीं। तो फ्रेंड जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने इनकी स्थिति आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं इनका घर का टूर कराता हूँ। कैसा घर है देखे पीछे, इस तरह से पहाड़ी के ऊपर ये छोटी सी चट्टान है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, और बहुत ही इतनी बुरी स्थिति है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि घर के अंदर इतनी स्मेल आ रही है ना कि कोई इंसान तो रह नहीं सकता वहाँ पे, लेकिन ये बेचारे रह रहे हैं पता नहीं कैसे। तो चलो ये घर की स्थिति बताता हूँ, दूसरा इनका पूरा ट्रैवल कराता हूँ यहाँ पे कहाँ पे लोकेशन है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं इनके बस्ती के अंदर जा रहा हूँ, इस तरह से झोपड़े झोपड़े बनाए इन्होंने, ये देखिए झोपड़े बनाए इन्होंने, तो ये इनकी बस्ती है देखिए, पूरे ऊपर तक के लोग बिहार के लोग हैं, और देखिए इस तरह से बेचारे रह रहे हैं, कितनी गंदगी में रह रहे हैं लोग, आप बिलीव नहीं कर सकते भाई कैसे लोग रह रहे हैं। मैं तो खुद ही, मैं पहले गुज्जर लोगों के फैमिली के पास गया, तो उनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो भाई ये तो कहाँ रह रहे हैं समझ नहीं आ रहा भाई, बहुत कठिन परिस्थिति है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए रास्ता इतना ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ आपको, और स्मेल इतनी भयंकर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखिए एक घर यहाँ पर इन्होंने बनाया, एक घर ये है, ये देखिए इस तरह से है, और ये पूरी बस्ती है, वो रोड दिख रही, वहाँ से मैं ऊपर आया हूँ, ये देखिए ये सारी पूरी बस्ती, सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, चट्टान में पहाड़ में रह रहे हैं, नगर निगम की ज़मीन है कि जंगलात की ज़मीन है कुछ पता नहीं। ये देखिए दूसरा घर आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा घर है, और बाकी इधर ऐसे ही घर ऊपर पर तक जा रहे हैं। राम राम दादी, कैसे हैं आप? हाँ, क्या हुआ? ये सब पैर हाथ में बहुत दर्द, और खुजली भी होता है बहुत। हाँ अच्छा, तो आप भी बिहार से दादी? हाँ बिहार से। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हमारा बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो गया? हाँ। अच्छा, ऐसे ही झोपड़े में रह रहे हो आप? हाँ झोपड़े में। ये देखो भाइयों, ये देखो ये इस तरह से झोपड़ा है, ये देखिए। हाँ क्या बोल रहे थे आप? बोला ये गूंगा लड़का है। हाँ। मन होता है तो काम करता है, नहीं मन होता है तो कुछ नहीं करता भैया। अभी खाने वाले भैया ना राशन दिया खाने के लिए। अच्छा चलो, एक लड़का है बोले गुंगा है। हाँ क्या बोल? हाँ आप देख रहे हैं इस तरह से मैं इस बस्ती में आया हूँ। बिहार के लोग हैं, पूरा कुनबा है, कम से कम 100 होंगे, 300-400 के करीब होंगे, पूरा कुनबा है, पूरी बस्ती है, लेकिन ये बहुत ही बुरी स्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं, और मतलब मानवता भी शर्मसार हो सकती है। अगर कोई देखना चाहे इनकी स्थिति आके, तो बिल्कुल रायपुर काली मंदिर के पीछे इनका वो है बस्ती है देहरादून में, और अगर कोई तब क्या कहूँ मैं, कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि जब ऐसी स्थिति कोई देखता है ना तो शब्द नहीं निकलते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे फैमिलीज़ को एक्सप्लोर किया, आप जानते हैं मैं गुज्जर फैमिली के पास गया, काफ़ी ट्राइबल फैमिली के पास गया, काफ़ी पुअर लोगों के पास गया, लेकिन जब मैंने इनकी स्थिति देखी तो एक्चुअली मैं ब्लॉग बनाने नहीं आया था, मैं किसी काम से आया था, लेकिन रास्ते मैंने देखा तो मैं इसे रहा नहीं गया, और मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये स्टोरी पूरे देश के पास जानी चाहिए। वो सो कॉल्ड लोग जो कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास की राजनीति चल रही है, चाहे उत्तराखंड की बात करें या फिर कहीं की भी बात करें, मतलब नेशनल देश की बात करें हम, तो आपकी ये स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है कि अभी जो बड़े बड़े विकास के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, या फिर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, 5G की बातें की जा रही हैं, या फिर बुलेट ट्रेन की बातें की जा रही हैं, या फिर डेवलपमेंट की बातें की जा रही हैं, या फिर अगर आप कहें कि सेकुलरिज्म की बातें की जा रही है, फिर आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो भाई इक्वलिटी कहीं नहीं है। हाँ हो सकता है हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हमारा देश बन चुका है, चाहे रक्षा में हो या फिर अर्थ में हो या फिर इकोनॉमी में हो या फिर फॉरेन पॉलिसी में, बहुत आगे देश जा रहा है, बहुत अच्छी बात भी, देश जाना भी चाहिए, लेकिन अगर आप इस स्थिति को अगर आप
नकारते हो कहीं ना कहीं अपने पीछे, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और ये खाली सरकार के नहीं, हमारे समाज के लिए, हमारी मानवता के लिए, हमारी धर्म या फिर जो भी आप कहो उसके लिए एक बहुत ही शर्मसार और सर नीचे करने वाली बात है कि कुछ लोग अभी भी ऐसी बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और बेचारे चूँ तक नहीं कर रहे हैं, एक आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं और बहुत बुरी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हदीसा खातून। तो हदीसा खातून जी, एक आप मोमडन है? ये बताइए, आपने सिंदूर लगा रखा है? मैं अगर आप बुरा नाम आए तो पूछूंगा आपको, ऐसा कैसे? क्या मतलब आप सिंदूर लगा रखा हुआ है? आप मुसलमान? बिहार में चलता है। बिहार में चलता है ऐसा? तो सिंदूर लगा सकते हैं? लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा, जो पहले का आदमी सब नहीं लगा रहा था, हम लोग शौक से लगा लेते कभी कभी। अच्छा 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 अच्छा, तो आपके पति कहाँ है अभी? अभी पति मेरा गाँव जा रखा है, मुहर्रम था ना। मुहर्रम था ना, तो गाँव जा रखा है। मुहर्रम में जा रखा है। ये आपका घर है? देखो ये है इस सिस्टर का घर, देखिए ये देखिए आप किस तरह से बेचारे झोपड़े में बना के यहाँ पे रह रहे हैं। ये देखिए आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी स्थिति का। सोचिए आप कैसी स्थिति में रह रहे हैं, ये लोग कैसी स्थिति में रह रहे हैं। तभी अगर आप भगवान को कोसते हो तो बहुत बड़ी बात है। भैया रास्ता इतना ख़राब है ना कि अगर कोई फिसला तो सीधा सड़क पे ही पहुंचेगा, और ऐसी स्थिति में लोग यहाँ पर रहना है एक बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, मतलब मेरा तो दिल पसीज गया यहाँ पे आके। क्या नाम आपका? चिंता देवी। आप भी बिहार से ही हैं? हैं तो बिहार है कहता है, दूर जुगी में सब बिहारी हैं, सब बिहार से ही हैं। तो बिहार में आपकी खेती बाड़ी कुछ है वहाँ पे? खेती रहता तो क्या करने आता इतना दूर, कमा कर खाने गिराई करने, अपना खेत में नहीं उपजाते। खेती बाड़ी कुछ नहीं है, कुछ कभी तो है यहाँ पर, घर भी नहीं है, ऐसे रह रहे आप लोग? बिहार में नहीं है घर, तब तो यहाँ जुगी बना के है। जुगी बना के? अच्छा, जुगी बोल रहा है। कौन कौन बोल रहा है तोड़ देंगे? अब जो यहाँ टेवरा दिन के आदमी बोलता है, कौन जंगलात वाले बोल रहे हैं? अच्छा, तो बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हो तो अब यहाँ पे आप हैं? बाप रे बाप, लड़ाई चल रही भयंकर यहाँ तो। ये क्या कर रहे हो, जू निकाल लो क्या? टाइम पास ऐसे करते हो यहाँ पे, जू निकाल के टाइम पास करते हो? अच्छा, क्या करो, किधर जाओ आप? तो कुछ और काम नहीं करते जैसे मेरे पति के साथ? पूरे दिन नहीं लगते ना, कभी कभी लगता है, काम रहता तो थोड़ी बैठता है। हाँ। दस दिन पर एक दिन, महीना ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, हफ्ते में दो दिन ऐसे करता है लोग। अच्छा। देखो केस कितना बड़ा बड़ा है, अभी जो बताओ कहाँ है जू? हाँ देखो, जू मत दिखाओ। जू संभाल के रखा है क्या? बैंक में देना क्या? बैंक में जमा करना है? पैसे होगा ना इससे, मारो ना उनको, फेंको, बैंक में जमा थोड़ा करना है जू। हाँ, बाल का वीडियो बना लो, बोलो तो बहुत जू है इसके। बहुत जू है? हाँ देखो कितने इसका दवा है, दवाई ला देना, जू की दवाई ला देना। अच्छा, ये भी सही बात, जू की दवाई क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है। दुकान वाले को बोलोगे तो खुद ही दे देगा। अच्छा, क्या बोलना उसको? यहाँ पे लड़ाई भी हो गई है किसी की, देखो मियाँ भी में लड़ाई चल रही है। अरे बच्चे आ रहे हैं, सब स्कूल से आ रहे नहीं है? अच्छा अच्छा, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में? नहीं, हमारे बच्चे आंगनवाड़ी के जाते हैं। छोटे है अभी? छोटे। अच्छा, बात कहीं अगर बिहार की, बिहार के बोला जाता है कि सुशासन बाबू की सरकार है, वहाँ पे सब लोग अच्छा काम चल रहा है, लेकिन अच्छा काम चल रहा है बिहार में तो बिहारी लोग, ये भाई यहाँ पे खड़ा है, तो बिहारी लोग यहाँ पे क्यों आ रखे हैं उत्तराखंड में, इतनी दूर काम कर रहे हैं अपने घर बार को छोड़ के? और आंटी तो ये भी बोल रही थी कि उनके पास घर भी नहीं है तो यहाँ पे क्यों आते हैं, अगर बिहार में उनका अच्छा खासा कुछ होता तो लोग बेचारे यहाँ माइग्रेट क्यों करते हैं, यहाँ पे इतने दूर क्यों आते हैं? तो ये एक सोचने वाली बात है कि अगर बिहार ही के सरकार कुछ नहीं कर रही है तो फिर आप दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये तो एक मानना है, एक ओपिनियन है मेरा। ये देखो, एक देखो फ्रेंड्स, कितनी प्यारी छोटी सी बच्ची है यहाँ पे, इधर देखो। हेलो, बिहार जाना कब होता है आपका? कब कब जाते हो बिहार? छोड़ ली, होली में या छठ पूजा में? अच्छा, आप लोग यहाँ पे ना हिंदू मुसलमान सबका साथ में रहते हो ना? साथ में है ना, ये बढ़िया बात लगी मेरे को।
इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिवम नाम है जी। शिवम नाम है। तो फ्रेंड जैसे मैं इस बस्ती में आया, बिहार के लोग हैं, पूरा कुनबा है, जैसा मैंने बताया आपको 400-500 लोग यहाँ पे रहते हैं, और इनकी स्थिति देखकर मेरा दिल पसीज गया। मतलब कोई भी इंसान अगर कोई ह्यूमन होगा तो इसे देखेगा ना तो कहीं ना कहीं उसका दिल पसीज जाएगा, कैसे स्थिति में लोग रह रहे हैं, कैसे लोग मतलब जीते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ब्लॉग देखा, अगर आप इमेजिन करो कि आपकी स्थिति कैसी है, तो आपको भगवान को शुक्रिया करना चाहिए, भगवान को थैंक्स करना चाहिए, उस अल्लाह को, उस परवरदिगार को, उस जिसको भी आप मानते हैं, उनको शुक्रिया करना चाहिए कि आपको इतना अच्छा जीवन दिया है। तो मुझे भी एक आज एक लेसन मिला है कि हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं या फिर अपनी स्थिति से, अपनी परिस्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। लेकिन जब आप देखते हो, बाहर जाते हो, समाज में जाते हो, सोसाइटी में जाते हो, कुछ ऐसे चीज़ें हमको एक्सप्लोर करने को मिलती हैं जो मतलब हमको, हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देती है कि हम क्यों हम भगवान से या फिर अपनी अपनी कंडीशन से बहुत वो जिरह करते हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग अभी भी देखो छोटी छोटी लोग चीज़ों की इस तरह स्ट्रगल करते हैं और ऐसे स्थिति में रहते हैं। तो मेरी तो आज आंखें खुल गई कि यार हमको भगवान को थैंक्स करना चाहिए जो भी हमको मिला है, जैसे मिला है। और साथ ही साथ अगर आप लायक हो कि आप समाज की सेवा कर पाओ, कुछ लोगों की सेवा कर पाओ, तो यार वो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत महान काम होगा। तो बस यही मैं कह सकता हूँ कि आप प्लीज़ थैंक्स टू गॉड बोलो, खुद को भी बोलो, अपने पेरेंट्स को, सबको थैंक्स बोलो। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो डाल दिया है। और आजकल आप व्यूज़ नहीं दे रहे तो प्लीज़ यार भर भर के व्यूज़ दीजिए और भाई को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।